बावरिया से अभद्रता के मामले में गरमाई विंध्य की सियासी राजनीति, सभी एक खास नेता के खास। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दीपक बावरिया से अभद्रता के मामले में 6 कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद सियासी हलकों की राजनीति गर्मा गई है। खास बात यह है कि जिन कांग्रेसियों के विरुद्ध हाईकमान ने कार्यवाही की है, वे सब नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश अजय सिंह राहुल के समर्थक होने के साथ अंधभक्त के रूप में माने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 जुलाई को श्री बावरिया के रीवा प्रवास के दौरान कुछ झूमा झटकी और झड़प का मामला सामने आया था। इस मामले में पहले तो श्री बावरिया ने किसी प्रकार का विवाद होने की बात ही सिरे से खारिज कर दी। साथ ही श्री बावरिया ने यह भी कहा था कि इसमें भाजपाइयों का षड्यंत्र है, लेकिन घटना के तीसरे दिन राष्ट्रीय हाईकमान ने 6 कांग्रेसियों को 6 साल के निष्कासन के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि विनोद शर्मा एवं एक उपाध्यक्ष चक्रधर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस खबर के आने के बाद कांग्रेसियों के एक खेमे में भूकंप सा आ गया। अलबत्ता इस मामले में एक बात यह सामने आई है कि जिन कांग्रेसियों का निष्कासन हुआ है उनके नामों के बारे में श्री बावरिया को कैसे जानकारी हुई, क्योंकि कमरे के अंदर श्री बावरिया और श्रीमती सविता दीवान के अलावा 2 नेता और थे जो इन कार्यकर्ताओं को जानना तो दूर पहचानते तक नहीं थे। दूसरी ओर श्री बावरिया ने अपने बयान में कहा था कि ये भाजपाइयों का षड्यंत्र है, फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का निष्कासन कहां से आ गया? सूत्र कहते हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें एक बड़े नेता को टारगेट करते हुए यह सब कार्यवाही की गई, लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्यवाही के बाद कांग्रेस की राजनीति गरमाई हुई है। यहाँ यह कहना गलत ना होगा कि विंध्य में कांग्रेस की राजनीति पिछले 15 वर्षों से उस पायदान पर खड़ी है जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है। विंध्य की सियासत करने वाले कांग्रेसी कभी शिखर पर हुआ करते थे, वहीं कांग्रेसी अब अपने अस्तित्व की खोज कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि विनोद शर्मा से और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष चक्रधर सिंह से, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। नमस्कार। पेपर के माध्यम से हमें पता चला है कि हमको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। निश्चित तौर पे कोई ना कोई गंभीर बिंदु होगा, पर जिस मैटर पे हमको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, उस दौरान जब बावरिया जी हमारे जो प्रभारी हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, रीवा आए थे और देवतलाव विधानसभा से 1-to-1 चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान कुछ उनके साथ मिसबिहेव हुआ। पर्टिकुलर सेम टाइम पे मैं AICC के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मनोज त्रिवेदी जी, मैं उनके साथ कुछ बातचीत कर रहा था, वो ये चीज़ बता सकते हैं। बावरिया जी हमारे पिता तुल्य हैं और आप सबको पता है कि मेरा नेचर किस प्रकार से, और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को मैं अपनी मात संस्था मानता हूं और मैं ऐसा कभी भी इस प्रकार का घिनौना कृत्य कर ही नहीं सकता। साथ ही साथ जो भी लोग इस घटना में शामिल है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक मेरा नाम उसमें घसीटवा रहे हैं। चूँकि मैंने रीवा विधानसभा से टिकट मांगा है और आपको पता है जब से मैं राजनीति में आया हूँ, राजनीति में मैं सेवा भाव से आया हूँ और अपना सब कुछ कैरियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी सब कुछ छोड़ के मैं राजनीति में आया हूँ, तो सेवा भाव से हूँ। कुछ लोग होते हैं षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो मेरा नाम घसीटवा रहे हैं। सांच को आँच नहीं, मैं एक शब्द में एक लाइन में बोलूँगा, सांच को आँच नहीं। कारण बताओ नोटिस का मैं जवाब दूंगा और निश्चित तौर पर बावरिया जी को चूँकि पता है और वहाँ पे और भी जो लोग रहे उन सबको पता है कि उस दौरान मैं वहाँ था ही नहीं, इसलिए इसमें मुझे कोई इतने कहना है। विनोद जी, रीवा की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में आपको अजय सिंह राहुल का समर्थक माना जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वजह से आपका नाम घसीटा जा रहा है? क्योंकि जितने भी नाम उसमें आए हैं वो अजय सिंह राहुल के करीबियों में गिने जाते हैं। मैं राहुल गांधी का समर्थक हूँ, कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूँ, राहुल भैया का समर्थक हूँ, सिंधिया जी का समर्थक हूँ, कमलनाथ का हूँ, सुखेंद्र सिंह बन्ना का हूँ, मैं पंजा का समर्थक हूँ। किस तरह से मेरा नाम आया, क्यों आया, मैंने फिर से कहा कि एक गंभीर जांच का विषय है और वस्तुस्थिति तब होगा जब इसकी जांच हो जाएगी, कहीं ना कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग होगी या किसी से भी ये पता कर लीजिए जो अंदर कमरे में रहे होंगे। बावरिया जी वहां अकेले नहीं, और लोग भी रहे। बावरिया जी खुद पता है आज की डेट में आप सबके आशीर्वाद से विनोद शर्मा आज
माने पहचान का मोहताज नहीं, सब जानते हैं कौन कौन वहां थे। और मैं बता रहा हूं कि मनोज त्रिवेदी जी एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उन्हीं के साथ था उस दौरान। सरदार कुलवंत सिंह हमारे रीवा शहर के प्रवक्ता हैं, वो भी वहीं पे खड़े थे। तो विनोद शर्मा दो नहीं हो सकते। मैं एक शब्द में बोलूंगा, सांच को आँच नहीं, विधिवत इसकी जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। और मैं यदि राहुल भैया का हूं तो हूं, इसमें मैं थोड़ी कहूंगा मैं राहुल भैया का नहीं हूं। हम बात कर रहे हैं अपने जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चक्रधर सिंह चंदेल से। चक्रधर जी, बताएं उस घटनाक्रम के बारे में जिसमें बावरिया जी के मामले में अगर कोई जानकारी हो या फिर आपको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तो सिर्फ हमने समाचार पत्रों के माध्यम से ये जाना है कि ये घटना के संबंध में मेरा भी नाम है। बाकी मैं इस घटना से मेरा दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। मैं उस दिन सिरमौर विधानसभा से एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से, सिरमौर विधानसभा से दावेदार की हैसियत से बावरिया जी से मिलने आया था अपने कांग्रेस साथियों के साथ। उसमें बावरिया जी विधानसभा वाइज सबसे मिलते थे और उसमें सिरमौर विधानसभा का मेरा नंबर 10 था। 10 क्रमांक में मैं जब मिला, विनम्रता से अपना पक्ष रखा और उन्होंने मेरी बातों से बड़ी सहमति दी, थैंक्स बोला और मैं अपना पक्ष रखने के बाद वापस चला गया। कुछ देर तक मैं वहाँ लोगों से मिलता जुलता रहा। इसके बाद जब मैं जाने लगा तो संयोग से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दुर्गी नारायण शुक्ला जी थे, मैंने उनसे अनुमति ली कि भाई अब तुम मेरा कार्यक्रम जाओ। बोले हाँ हाँ चक्रधर भाई जाइए, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिला के हमारे समन्वयक थे मिस्टर मनोज त्रिवेदी जी जो AICC से हैं, उनसे भी मैंने कहा कि भैया मेरा काम खत्म है, आपके अनुमति हो तो जाऊँ। बल्कि हमारे कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने कहा पर्यवेक्षक जी के साथ हम फोटो लेना चाहते हैं, तो बाहर आके एक फोटो भी उनके साथ हुई। इसके बाद मैं वहाँ से वापस चला गया और जब मैं चला गया वहाँ था नहीं तो मेरा उस घटना से कोई वास्ता। इस घटना पे जितने लोगों का नाम आया है जी जी, वो यहाँ नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के अंधभक्त माने जाते हैं जी जी, क्या कहना है? अभी सर देखिए, अर्जुन सिंह जी के लड़के हैं राहुल भैया, उनके एक ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। तो अब राहुल भैया यहाँ के प्रभावी नेता हैं तो उनसे तो हम समझते हैं कि यहाँ का जन जन मानस जुड़ा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते कमलनाथ जी का भी सम्मान करता हूँ, सिंधिया जी का भी सम्मान करता हूँ, राहुल गांधी जी हमारे नेता ही हैं, तो हम तो कांग्रेस पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के रूप में काम करते हैं। तो इस संबंध में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि राहुल भैया का समर्थक होना कोई बुरी है। लेकिन माननीय बावरिया जी से तो मेरी हमेशा बात होती थी, बावरिया जी तो हमारे यहाँ के अतिथि हैं, गेस्ट हैं, माननीय महामंत्री हैं, तो वो तो हमारे लिए अति सम्माननीय है। स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर नज़दीक से नज़र रखने वाले हमारे विशेष संवाददाता अनिल त्रिपाठी। अनिल, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं? जी दिव्या, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला कांग्रेसियों के बीच खासा गर्म है। इस मामले में 6 लोगों का निष्कासन और 2 वरिष्ठों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। खास पहलू मेरी नज़र में यह है कि जिन लोगों का निष्कासन हुआ है वे कोई कद्दावर नेता नहीं थे। दूसरा सवाल यह है कि इनका नाम बावरिया जी तक पहुँचा कैसे? रीवा की कांग्रेसी राजनीति में गुटबाजी का भी अपना अलग इतिहास है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, गुटबाजी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इस मामले में नेताओं ने सूक्ष्म जांच की मांग की है। अब देखिए आगे क्या होता है।